अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना होस्ट बाबा जी, और आज मैं पहुंचा हूं विलेज चवा करियाला। चवा करियाला डिस्ट्रिक्ट चकवाल जो है इसके ईस्ट वाली साइड पे आता है, और यहां पर एक बहुत डिफरेंट सी एक कहानी सामने आई है कि एक पुराने बुज़ुर्ग ने बताया कि ये जो ढेरी है, ये जो जगह है 7000 ईयर ओल्ड है, 7000 साल पुरानी ये जगह जो है फाइव पांडवास ब्रदर्स के साथ ये अटैच है। यहाँ से थोड़े ही फासले पर, यही कोई 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर कटास राज आता है। अगर ये पहाड़ अक्रॉस करें तो इनके बाद आगे कटास राज आ जाता है, और ये जगह जो बताई जा रही है, ये जगह बताई जा रही है कि द्रौपदी का महल था यहाँ पर। जी हाँ, द्रौपदी का महल था। 4 घंटे तक पांडवास ने जो चौसर जो गेम है वो खेली, और खेलने के बाद जो है वो द्रौपदी को यहाँ पर हार गए थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था पांडवास ने चौसर खेली, और अभी मैंने रिसेंटली भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर मैंने चौसर खेलते हुए लोगों को दिखाया था कि वहाँ पर लोग आज भी इस इलाके के अंदर 7000 साल पुराना ट्रेडिशन जो है वो अभी भी बाकी है कि लोग अभी भी यहाँ पर जो है वो चौसर खेलते हैं। वो चौसर को सिर्फ इसी चीज़ से मैंने वो लिंक किया था कि पांडवास जो थे उन्होंने चौसर खेली, और खेल कर वो जो हैं वो यहाँ पर द्रौपदी को वो हार गए थे। यानी कि दुनिया में हर युद्ध, हर लड़ाई, हर जंग के पीछे के जो एंशिएंट टाइम थे, कोई ना कोई औरत थी, उसके पीछे कोई ना कोई औरत का हाथ होता था। तो कभी सीता के पीछे जंगें हुई, और कभी द्रौपदी के पीछे कभी जंगें हुई, और इसी तरह कभी बहुत ज़्यादा सारे नाम आते हैं। लेकिन 7000 ईयर्स अगो, 7000 साल पहले की लिखी गई कहानी जो महाभारत के अंदर है, उसका जो मेन करेक्टर है द्रौपदी, वो इस इलाके से बिलोंग करती है। मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी, और आप देख रहे हैं सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। नो मोर, कोई ऐसा निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाबजा बिखरे हुए छोटे छोटे सुरख कलर के बर्तन जो कि सिविलाइजेशंस की निशानी है हमारे यहाँ, हर जगह पर आपको नज़र आते हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि ये वाली जगह जो है वो वीडियो के ज़रिए मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी, और आप देख रहे हैं सिविल जो महल की जगह थी द्रौपदी की, महाभारत का करेक्टर है, इसी जगह पे थे।